टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना पिछले कुछ दिनों से एक्टर रोहन गंडोत्रा को डेटिंग करने को लेकर काफी लाइमलाइट में बनी हुई हैं। जी हां, दरअसल चाहत और रोहन ने अपने अपने इंस्टा पेज पर एक दूसरे के साथ कुछ कोजी पिक्चर शेयर की थी, जिसे देख लोग हैरत में पड़ गए थे। लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद चाहत अब तीसरी बार शादी करने के लिए तैयार हो चुकी हैं और जल्द ही रोहन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाती नजर आएंगी। हालांकि अब चाहत ने सामने आकर रोहन के साथ रिलेशनशिप की खबरों पर खुलकर बात की है और रोहन के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई का खुलासा किया है। जी हां, ई टाइम्स से बातचीत में चाहत ने रोहन और उनके रिलेशनशिप को लेकर आ रही खबरों का खंडन किया है। एक्ट्रेस ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि रोहन और मैं एक के बाद एक चार प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं, यही वजह है कि हम एक साथ घूम रहे हैं। चाहत का मानना है कि उनकी जिंदगी में रहे पिछले विवादों के कारण उनकी डेटिंग लाइफ अक्सर मीडिया की जांच के दायरे में आ जाती है। दो तलाक झेल चुकी चाहत का कहना है कि अब वो काफी बेहतर माइंड स्टेट में है। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा कि मैं प्रोफेशनल तौर पर संघर्ष कर रही हूं, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूं। मैं अकेले उन्हें मैनेज कर रही हूं। एक सिंगल मदर होना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इससे आपको लड़ने की ताकत मिलती है। चाहत ने कहा कि बच्चे होने के बाद अगर महिला फिर से शादी करने या रिलेशनशिप के बारे में सोचती है तो समाज उसे जज करता है। उनका मानना है कि तलाकशुदा महिलाएं और सिंगल माँ अगर फिर से प्यार की तलाश करती हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चाहत ने कहा कि उन्हें फिर से शादी करने या लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोचने का पूरा हक है। हम सभी को साथी की जरूरत होती है। इस बारे में चाहत ने कहा कि मुझे अभी भी ब्रेकअप और तलाक से होने वाली चिंता से डर लगता है, लेकिन शायद वो हमेशा ही लगेगा। रिलेशनशिप में होने की भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं। मतलब चाहत ने रोहन के साथ अपने रिश्ते को महज दोस्ती के अलावा कुछ नहीं बताया है। आपको बता दें कि चाहत ने अब तक दो बार शादी की है, लेकिन उनकी दोनों ही शादियां असफल रहीं। टीवी एक्ट्रेस चाहत ने भरत नरसिंघानी से शादी की थी, लेकिन घरेलू हिंसा के कारण दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद चाहत ने फरहान मिर्जा से साल 2013 में दूसरी शादी की, लेकिन 2018 में सेक्सुअल और मेंटल हेरासमेंट की वजह से ये कपल अलग हो गया। दूसरी शादी से चाहत की दो बेटियां हैं। वहीं अब रोहन गंडोत्रा अनमैरिड हैं और 31 साल के हैं। ऐसे में जिस तरह से चाहत और उनकी कोजी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लोगों के बीच खलबली मच गई थी कि शायद दोनों जल्द ही शादी करेंगे।